दंडी यूनिवर्सिटी अक्सर अपने तुगलकी फरमानों को लेकर विवादों में रहती है और अब एक बार फिर यूनिवर्सिटी के तुगलकी फरमान से सैकड़ों छात्र छात्रा के भविष्य पर तलवार लटक गई है। दरअसल यूनिवर्सिटी एक साल की इतनी फीस नहीं जितना छात्रों से जुर्माना वसूल कर रही है। ऐसे में आज पीड़ित छात्रों ने NSUI के छात्र नेता कृष्ण अन्नी के नेतृत्व में नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा है और यूनिवर्सिटी के इस तुगलकी फरमान को वापस लेने की मांग की है। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी यूनिवर्सिटी से कितने छात्र हित में वापस लेने की अपील की, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के नियमों का पालन करता है, इसलिए यूनिवर्सिटी द्वारा ही राहत देने पर वे छात्रों को कोई मदद नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थियों ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि यदि यह अवैध जुर्माना वापस नहीं लिया गया तो वे यूनिवर्सिटी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करेंगे। हरियाणा के प्रदेश महासचिव कृष्ण ने बताया कि हाल ही में प्रथम सेमेस्टर के छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया हुआ था, जिसमें अकेले पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के 206 छात्रों के परीक्षा परिणाम में नॉट एलिजिबल आया है, जिसको हटवाने के लिए छात्रों को 3,000 रुपए जुर्माना के रूप में देने हैं। इस जुर्माने को लगभग सभी छात्र दे भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का परीक्षा परिणाम नहीं आया। इस जुर्माने से अलग CR कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन के नाम पर 5,000 रुपए का जुर्माना और मांगा जा रहा है, जिसके बाद छात्रों का रुका हुआ परीक्षा परिणाम घोषित होगा। इस तरह से एक छात्र को अपना परीक्षा परिणाम घोषित करवाने के लिए 8,400 रुपए का जुर्माना देगा और जिसमें वे 400 कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। बता दें 8,000 रुपए प्रत्येक छात्र को देने हैं। कृष्ण अन्नी ने बताया कि जिस समय दाखिला होता है उसी समय छात्रों से भी दस्तावेज लिए जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से छात्रों से कागजात मांगने का तथा कागजात के नाम पर अवैध जुर्माना वसूलने का कोई औचित्य नहीं होता। उन्होंने कहा है कि जब अकेले नेहरू कॉलेज में 206 छात्र हैं तो बाकी अन्य कॉलेजों में ना जाने कितने छात्र परेशान होंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? मैम गरिमा। गरिमा, किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो और ये जुर्माना जो लगाया है इसको कैसे पे करोगे? मैम पहले हमसे एनी के नाम पे 4,000 रुपीज मंगवाए गए थे, वो जैसे तैसे हमने अपने आप से कलेक्ट करके घर वालों से लेके, घर वाले उस टाइम भी राजी नहीं थे वो पैसे भरने के लिए, क्योंकि हमें घर वालों को भी जवाब देना पड़ रहा है कि 4,000 रुपीज पूरे एक साल की फीस है हमारी और वो हम लेट फीस के रूप में जमा कर रहे हैं। इस बार क्या किया, उन लोगों ने रिजल्ट देके फिर हमारे फिर रोल नंबर रोक दिए हैं, फिर हमसे 5,000 रुपये मंगाए जा रहे हैं। पहली बात तो 5,000 रुपये मंगाए किस चीज़ के जा रहे हैं, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है, और ये चीज़ हम घर वालों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और हमारे घर वाले देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। इसी गरिमा, किस तरह से आप अपनी पढ़ाई का खर्च जो है उठाते हो? मैम मैं 9वीं क्लास से मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, उसी तरीके से मैंने 10 से CBSE पढ़ाई करी और यही सोच के मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था कि यहाँ पे फीस कम है तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी। लेकिन इसी साल में अगर देखा जाए तो 4,000 रुपीज भरने के बाद मुझे 9,000 रुपए और अलग से भरने पड़ रहे हैं, तो इस चीज को मैम आप ही बताइए मुझे फायदा कहाँ पे हो रहा है, बल्कि मुझे और नुकसान की भरपाई करनी पड़ रही है। बोला जाता है कि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यहाँ पे हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, पढ़ाई के नाम पे हमसे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण अत्री है। अत्री जी, आज ये स्कूल प्रिंसिपल से कॉलेज प्रिंसिपल से आप मिले हैं, क्या कारण रहा? देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं कॉलेज के हमारे के, उनमें लगभग 300 साढ़े 300 छात्रों के में रिजल्ट में NE आया है। NE के आने का कारण क्या बताया गया कि इन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स 10th और 12th और माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट देना होता है वो नहीं दिया है, जबकि जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑनलाइन मॉड्यूल में एडमिशन हुआ है तो जब डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर दिए और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन बच्चों को एडमिशन दिया गया है, और जब एडमिशन देते हैं जब कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन कराने आते हैं तो 2 सेट अपने एडमिशन के टाइम पे दोबारा देते हैं, जब 3-3 बार ये लोग डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं तो उसके बाद में 4थी बार डॉक्यूमेंट्स मांगने का क्या औचित्य बनता है? इन लोगों ने क्या करते हैं, लोग अपने आप काम चोर हैं, मतलब काम से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि बच्चों पर बार बार डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, मतलब बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगा रहे, उसी के कारण फिर उसके बाद जब टाइम आ जाता है एडमिशन हो जाता है डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं तो रोल नंबर निकल के आता है। जब यूनिवर्सिटी ने सारे बच्चों का रोल नंबर भेज दिया तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद यूनिवर्सिटी के पास और कोई डॉक्यूमेंटेशन की कमी बचती है। जब उसने हमें सर्टिफाइड स्टूडेंट मान ही लिया तो उसके बाद क्या बच जाता है, बच्चे को रोल नंबर आता है, बच्चे एग्जाम देते हैं लेकिन रिजल्ट रोक लिया जाता है। तो इसी तरीके से नेहरू कॉलेज से अकेले 300 साढ़े 300 बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में NE आया है, NE हटाने के नाम पर 3,000 रुपये लेट फीस मांगी जा रही है, और उसके बाद NE के बाद एक CR कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन के नाम पर 5,000 रुपये लेट फीस मांगी जा रही है।
5400 टोटल फीस है लेकिन 400 कॉलेज को देने होते हैं, 5000 बच्चे से मांगे जा रहे हैं। ये कहाँ का औचित्य है कि 400 रुपये लेट फीस पर, मतलब 400 रुपये फीस है और 5000 उस पर लेट फीस लगाई जा रही है। तो आज हमने नेहरू कॉलेज के प्राचार्य को, कल भी हमने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो एमडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जो एमडी यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर हैं, उन सबके नाम ये ज्ञापन सौंपा है और उन्हें अपनी इस मांग से अवगत कराया और उनसे यही अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द ये जो जुर्माना हमारे छात्रों पर, अवैध जुर्माना जो वसूलने का काम कर रहे हैं, इसे माफ किया जाए और जो बच्चों का रिजल्ट रोक रखा है इसे जारी किया जाए। कृष्ण जी, कितनी राशि बनती है अगर जितने बच्चों का स्टूडेंट रोका गया है, एक कॉलेज की अगर बात करें तो? नेहरू कॉलेज की अगर मैं बात करता हूं तो 24-25 लाख रुपए अवैध सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए इन लोगों ने हमारे कॉलेज के छात्रों को लूटने का काम कर रहे हैं। अकेले हमारे कॉलेज से बुरा हाल है, एमडी यूनिवर्सिटी के आने वाले तमाम सरकारी कॉलेजों में यही हाल है और अगर आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में छात्र मिलेंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।